अफान जी, क्या कहना चाहेंगे? हाय मालिच, हाउ आर यू? आई एम फाइन। बस मैं वैसे ही आपसे गपशप के लिए कर रहा था, लेकिन मुझे फील ऐसे हो रहा है कि यहाँ सब आप लोग एक दूसरे को जानते हो, क्योंकि जो भी आपसे कॉलर आ रहा है वो आपको काफी अच्छा जानता है। आप भी कैसी हैं? नहीं, नॉट ऑल ऑफ देम. आज बहुत सारे नए कॉलर्स आए हैं, ऐसी बात नहीं अच्छा है अच्छा जी. आप क्या कहना चाहेंगे आज के बस टॉपिक पे? वैसे क्या टॉपिक कहना चाहेंगे? सदफ क्या है आपका वैसे? सदफ कंवल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जिन्होंने कहा है हमारा शौहर हमारा कल्चर है? पहले तो बात ये, मैं सदफ कमल को नहीं जानता हूँ कौन है, ठीक है? नहीं जानते? और चलिए, हम आपको दिखाते हैं उनको कौन है वो, क्योंकि उन्होंने कहा है इतना कि हमारा कल्चर है. दिमाग और वो कहती है कि जो ये आंटियां हैं ना, लिबरल आंटीज, ये हैं सदफ कंवल. फेमिनिस्ट से इनको प्रॉब्लम, तो लिबरल से इनको कहाँ प्रॉब्लम. तो ये कहती है कि से आया? जी ये मॉडल है जी. तो बस आप इसकी क्या कहना मर्जी चाहेंगे? थी, जिसका जो दिल करे वैसे करे। मैं तो इस चीज का कायल हूँ, इंसान को जो चीज अच्छी लगे उस पे चलना चाहिए। क्या एक दूसरे को हम बुरा भला कहें, इसमें क्या क्या फायदा? वो तो ठीक है ना, ये तो इनको अगर अपने मर्द के जूते उठाने हैं ठीक है, मगर जब आप इस इतना बड़ा स्टेटमेंट दे देते हो कि मेरा हस्बैंड मेरा कल्चर है, तो आप सोचो ना हमारे मर्दों को. तो मर्द आप तो उनको जूते मार के बोलेगा किसी और को कि भाई तेरा कल्चर है, चलो खाना पका. आप डिस्कस करके मजीद उनके जो उन्होंने कहा स्टेटमेंट दिया, आप मजीद उनको प्रमोशन कर रही हैं फ्री में उनकी। मैं थोड़ी ओनली डिस्कस कर रही हूँ, पूरी दुनिया पूरा पाकिस्तान डिस्कस कर रहा है, खलील उल रहमान डिस्कस कर रहा है. मैं थोड़ी, मैं तो छोटी मोटी बंदी, मेरे उससे क्या हो जाना है, फरेख वो लोग हैं जो काम वैसे से भी फेमस उनको ये चीजें नहीं पता रहती। अच्छा मुझे एक चीज बताएं कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे आपके साथ कोई एक बंदा बात कर रहा था, उसने जब कॉल एंड की तो उसने एक एक ऐसे नारा लगाया, JBH मैं सुन नहीं सका, पता नहीं क्या इसका क्या मतलब है, ये क्या स्लोगन था? कोई स्लोगन था क्या? कौन JBH सा? जिंदाबाद करके कुछ कहा उसने, कुछ सुननी ये थोड़ी। थे भाई JBL ब्रांड का नाम है, स्पीकर का ब्रांड है JBL, ओके? हाँ, अच्छा, गुड थोड़ा गुड सा गुड गुड। यार, हाँ थोड़ा ये बात है ना. अच्छा मालिक, मैं इसलिए बोलने आया था, ये बात करनी थी, एक बात मैं बतानी थी. हजरत खदीजा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता लेके अपने वालिद साहब के पास गई थी, सुने सुने सुने, तो जी उन्होंने मना कर दिया था, सही है ना, निकाह से मना कर दिया था. और फिर हजरत खदीजा ने शराब पिला, उनको टुन कर दिया था, जो टुन ही होता है, टुन उनको टुन किया था. टुन टुनानी में उन्होंने हाँ कर दी थी, उनकी शादी ऐसे हुई थी, ठीक है, ये किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है अच्छा जी. अच्छा जी, दूसरी बात, हाँ दूसरी बात ही, जो भाई साहब आए थे ना ये इस्लाम को डिफेंड कर रहे थे फलाना दिमागा, यार ये अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब पता था तो इन्होंने जरासीम होते नहीं होते तो बताया नहीं कभी, कि जरासीम भी एक चीज है भाई, बहुत सी चीजें नहीं बताई भाई, बहुत सी चीजें नहीं बताई, बस ये बता दिया कि केला कैसे हलाल तरीके से खाना है. वो तो तो उन्हीं फ्रूट का नाम लिया है, सूरह रहमान के अंदर सारे फ्रूट बताए गए, आप इंटरनेट पे जब सूरह रहमान सुनेंगे ना तो वही फ्रूट है जो उस टाइम पे अवेलेबल थे, जो उनको पता थे. बकाया फ्रूट नहीं नजर आएंगे आपको, आम नहीं नजर आएगा. हाँ फलाना दिमाग, आप देखिएगा यूट्यूब पे सूरह रहमान लगा के तो फ्रूटे आएंगे पूरे जबरदस्त, ये अर रहमान, ये फलाना दिमागा, यू नो तकस जुबान, हर चीज में तकस जुबान तकस जुबान. ओके अफान जी, आप कुछ कहना चाहेंगे, फिर मैं आगे चलती हूँ. हाँ मैं क्यों नहीं, मैं ज़रूर कुछ कहना चाहूँगा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि देखें, मुझे देखें, मैंने चार्टेड अकाउंटेंसी की हुई है ऐसे ही आपसे रैंडमली, तो 9 to 5 में जॉब करता हूँ, मुझे कनाडा में आने के लिए मतलब क्या करना पड़ेगा, मुझे आप ये बताएं। कनाडा में आने के लिए आई हैव नो आइडिया. आपको ये तो इमिग्रेशन वालों से वहां से मालूम करना पड़ेगा. आप अगर कनाडा की इमिग्रेशन की साइट पे जाइए तो वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि अभी वो इमिग्रेशन ले रहे हैं पाकिस्तान से कि नहीं ले रहे हैं. वहां पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मैं इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकती हूँ, मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ आपको. चाहिए क्या? हेलो, आप क्या मुझे बताओ, मुझे आना चाहिए, चीज? आना चाहिए क्या? मुझे अपॉर्चुनिटीज है मेरे लिए? अपॉर्चुनिटीज हैं, मगर यहाँ कोई लड्डू नहीं है ऐसे कि यू नो हर कोई आके समझता है कि यहाँ पे आराम से जॉब मिल जाएगी आजकल. आप मुझे सिर्फ वो जो कोई एक आइस रोड है उस पे वो ट्रैकिंग वाली कंपनीज में सिर्फ जॉब मिल रही थी, कहीं अलास्का वाली साइड पे? हाँ, उस साइड पे आपको मिल जाएगी जॉब्स, मिल जाती हैं. डिपेंड करता है कि आप कौन सी जॉब करना चाह रहे हो, या ट्रकिंग में हैं जॉब्स वगैरह, यू नो नहीं, मिस मैंने आप. चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है वैसे, आपको मैं ट्रक वाली कंपनी में क्या करूंगा? तो वो तो है ना यहाँ पर, जो जो चाहिए होगा वैसी तो जॉब नहीं मिलेगी ना. आके यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको. यहाँ पर आके आप स्टार्ट करोगे ना, इट्स लाइक स्टार्टिंग ऑल ओवर अगेन.
तो वो तो बंदे को जैसे ऐसा होता है कि आप जैसे आप ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल अकाउंटिंग में भी शायद आपको मिल जाए जॉब, मैं नहीं कह रही कि नहीं मिलेगी, मगर यू कैन ट्राई, मगर आई कैन गिव यू मोर इन्फॉर्मेशन ऑन इट। आप वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे जाइए, कैनेडा की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फॉर श्योर। रैंडमली आप सोच के बातें कर रहे कि आपके पेज पे बल्कि आपकी लाइव पे हर वक्त आप पता नहीं किस किस को क्रिटिसाइज कर रही होती है, तो मैंने कहा कि कोई 2-4 मिनट वैसे गुजर जाए कि आप किसी को क्रिटिसाइज ना करें, गालियां ना दें। नहीं, हम बहुत डिफरेंट बातें कर रहे होते हैं, ऐसी बात नहीं। आप लोगों को लगता है क्रिटिसिज्म, मगर क्रिटिसिज्म करने में क्या बुरी बात है? हम जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो ठीक कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो नेटिव रहते थे पहले, गोरे थे, और जो कालों के साथ कर रहे थे, वो एक गोरे ने खड़े होकर क्रिटिसाइज ही किया ना कि हम इनको स्लेव्स बना के क्यों बैठे हुए। अगर वो नहीं करता क्रिटिसाइज, तो आज भी काले हमारे स्लेव्स होते, हमारे क्या गोरों के स्लेव्स होते। तो क्रिटिसिज्म से चीजें बेहतर होती है। क्रिटिसिज्म इज नॉट, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना चाहिए। आप लोग क्रिटिसिज्म को नेगेटिवली ले जाते हो और समझते हो हाय हम पे अटैक कर रहा है। कोई अटैक नहीं कर रहा है, कुछ हर चीज पे क्रिटिसाइज करना पड़ता है। आपका, मुझे नहीं पता कि आपकी फैमिली है कि नहीं है, मगर आपकी, आप भी जब छोटे होंगे और कोई गलत काम कर रहे होंगे तो आपकी मम्मी आपको रोकती थी कि नहीं रोकती थी? मना करती थी ना, तो फिर वो क्रिटिसिज्म से ही तो आप सुधरे ना फिर। तो ये क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म इज गुड। जो नैगिंग होती है वो अच्छी नहीं होती है, मगर हेल्दी क्रिटिसिज्म इज ऑलवेज गुड। ठीक है, चले, थैंक यू सो मच। आपको लगे कि आप हेल्दी कर रही हो, हेल्दी ना हो, तो आप किसी पर्सन की अगर कोई उसकी गलती है तो आप उसके रिलीजन को तो लेके हर टाइम ये रिलीजन पर्सन की नहीं है, ये है लोग जिनकी वजह से। आपकी बात समझ में नहीं आई। जब एक बंदा जो उसके 2 मिलियन फॉलोअर्स हो, जिसको पूरा पाकिस्तान देख रहा है, वो ऐसा स्टेटमेंट अगर दे देता है ना, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो गरीब औरत है ना उसको भुगतने पड़ेंगे। वो तो कह के बैठ गई कि मेरा मेरा भी है, मैं उसके जूते उठाऊंगी, मैं ये करूं। करो, तुम्हें किसी ने मना नहीं किया, करो। मगर उसकी बात सुन के जो एक मर्द बैठा होगा ना झोपड़ी में, और उसकी बीवी कभी थकी भी हुई और उसने कहा कि नहीं मैं अभी तुम्हारे जूते नहीं पॉलिश कर सकती, तो उसने जूता मारना है उसको। ये तेरा कल्चर है, कैसे नहीं करेगी? समझ में आई आपको बात? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अच्छा अबाउट दीज थिंग्स। चले, नहीं अब बहुत टाइम हो गया फान जी, मुझे आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। ओके, मुझे आगे बढ़ना है, और बहुत सारे लोग होते हैं, आप लोग इतना इतना टाइम ले लेते हो। आई गिव एवरीवन इनफ टाइम। जी।